गुड्डू गुड्डू इधर ही था बेटा, पापा तुम्हारे पास ही है, देखो बेटा। गुड्डू घर चलो, गुड्डू घर चलो, ऐसे जस्ट कम है खाली ना, ये फिर से आ गया है बच्चे को फुसलाने के लिए। चलो बेटा नहीं, मैं अपने बेटे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। आंधा से मिलने की कोशिश मत करता, समझे? गुड्डू हेलो, कौन बोल रहा है? हम राधिका बोल रहे हैं। जो कोई भी बोल रहा है, हरमेश के माँ बाप से कह देना कि हरमेश अपनी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहा है। आज वो गुड्डू के स्कूल पहुंच गया। अंकल वो एक्चुअली बोलो मत, सब सुनो, कह देना श्रीवास्तव से कि अगर हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाना तो हम हरमेश के हाथ पांव तोड़वा देंगे, समझ लिया ना? क्या बात है राधिका, इसका फोन था? जी वो लीना भाभी के डैडी का फोन था। क्या कह रहे थे वो? जी वो हरमेश भाई साहब गुड्डू से मिलने उसके स्कूल चले गए थे, इसलिए नाराज हो रहे थे, धमकियां दे रहे होंगे, कह रहे होंगे कि अगर हरमेश ने दोबारा बच्चे को मिलने की कोशिश की तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकेंगे वो, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भाई साहब हम सोच रहे थे कि एक बार जाकर लीना भाभी से मिलकर उनसे बातें कर लेते। नहीं राधिका, तुम उनके घर नहीं जाओगी। नहीं भाई साहब, हम उनके घर नहीं जाएंगे। राधिका ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई साहब हम गुड्डू के स्कूल जाकर उनसे बातें कर लेंगे। कोई फायदा नहीं है राधिका, कोई फायदा नहीं उनको मिलकर।